ये हमारा कॉलेज है। हमने अभी तक लैला, मजनू, हीर, रांझा, श्री, फरहाद जैसे प्रेमियों की कहानी सुनी है, लेकिन हमारी कहानी थोड़ी सी अलग है। दोस्तों, हम हॉलीडेज फुल ऑन एंजॉय करेंगे। हाँ ठीक है, पर अपने टूर प्लान के बारे में तो बताओ। पहले हमें कहीं जाना होगा। कहाँ पर यार? हम सब मिलकर रोहित के गेस्ट हाउस पर जाते हैं। सुपर यार, हमारे आने की खबर उसे फोन करके देनी चाहिए। हेलो, हे रोहित, मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाँ। हम हॉलीडे एंजॉय करने के लिए तुम्हारे गेस्ट हाउस पे आते हैं, तुम भी वहीं मिलो ना। मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा यार। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं तो है। अब क्या करें? उनका ख्याल रखने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा, पर तुम लोग जाओ ना, तुम्हारा ही घर है यार। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? एंजॉय करो। ओके, पिताजी का ख्याल रखना। ओके। हे, वो नहीं आ सकता, उसके बिना ही एंजॉय करना होगा। ओके। ये कहाँ गई? कम ऑन डियर। नाराज हो क्या? प्लीज मान जाओ ना यार, प्लीज 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 प्लीज। हम वहां से जल्दी लौट आएंगे, प्लीज। वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, वहां तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज प्लीज, हम एक बार जाकर वापस लौट आएंगे। तुम हाँ कह दो ना, क्योंकि हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज हाँ कह दो ना। नहीं। देखो, मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है और तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी। हाँ कह दो ना, प्लीज एक बार हाँ कह दो स्वीटी, प्लीज एक बार। ओके। यस, आई लव यू स्वीटी। चलो फाइनली पहुंच गए। जल्दी आओ यार, भूख के मारे हाल बेहाल है। यार बिल्डिंग तो बहुत ही मस्त है। घर के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले खाने के बारे में सोचो। यार बहुत भूख लगी है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। ओके ओके, इट्स ओके। वाओ, ब्यूटीफुल। अरे भाई, इस घर में किचन कहाँ है यार? वेरी नाइस यार। डाइनिंग टेबल खाली क्यों पड़ा है? इंटीरियर पर भी काफी खर्चा किया है। वाह, सुपर। घर तो बहुत अच्छा है। अरे मोहन, अपने बुक्स लाए होते तो हम यहाँ पढ़ाई भी कर सकते थे यार। अरे यार, हम यहाँ 10 दिन मस्ती करने आए हैं और तू पढ़ाई का नाम लेकर मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा एंजॉय कर यार, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी मोहन, ये बैग मेरा है। बैग जब गाड़ी से यहाँ तक लाया तब तक तो मेरा ही था। मेरा बैग तुम लेकर चल रहे थे। अच्छा ठीक है, तुम रख लो। अच्छा वो रूम तेरा। और वो? वो रूम मैं रख लूंगा। ओके श्योर, ठीक है। मेरा बैग कहाँ है? वाओ, आई लव यू। आई लव यू टू। चंद्रिका डार्लिंग, प्लीज मोहन, प्लीज मोहन। इस समय कौन आ गया? अरे इस वक्त कौन आ गया?
आप कौन हैं? जी मेरा नाम मल्लिका है। वाह ये तो लेडीज है, मुझे डील करनी पड़ेगी। कौन है आप, क्या चाहिए आपको? मुझे यहाँ के साहब ने आप लोगों की सेवा करने के लिए भेजा है। अच्छा तो सेवा करना शुरू कर दो। हमारी सेवा के लिए? फिर तो सेवा होनी ही चाहिए। बताइए क्या खाना बनाऊं? मेरे लिए एक चिकन तंदूरी, चिकन बिरयानी, बटर चिकन, फिश फ्राई, फ्राइड राइस, विस्की, सोडा, ये सब हमें नहीं चाहिए। ये सब का सब मेरा फेवरेट है। मेरे लिए एक ग्लास दूध काफी है। ये तो रहा मेरा मेन्यू। मोहन मैंने अपना फूड ऑर्डर कर दिया, तू भी अपना फूड ऑर्डर कर दे। अच्छा इसने जो भी बोला ना वो सब बना दो, मैं सब खा लूंगा। ठीक है साहब। साहब नाश्ता रेडी है। मल्लिका जी वाटर। जी लाई। मल्लिका मस्त है। नहीं नहीं मतलब मल्लिका के नाश्ते की बात कर रहा हूँ, मल्लिका का नाश्ता बहुत ही अच्छा है। वन मिनट ओके अभी आता हूँ। ओके चंद्रिका वो अशोक है ना, वो बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, वो तो मस्ती भी कर रहा है, तो हम दोनों थोड़ी मस्ती कर लें। मोहन 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 अरे जैसा ही तुम्हारा नशा चढ़ना शुरू होता है तुम नशा उतार देती हो। वाह उसमें क्या है? वाह देखकर तो खाना बहुत टेस्टी लग रहा है यार। सब खत्म कर देंगे। तुम भी ना। मल्लिका जी? मुझे भूख नहीं है, एक ग्लास दूध लाना मेरे लिए। मैंने एप्पल अच्छी तरह खाया ना। तुम तो कमाल हो मोहन। थैंक यू। दूध गर्म है साहब। देखो वो दूध पी रहा है, सीखो कुछ उससे। दूध कब पीना है ये नहीं जानता, और तुम्हें कब क्या बोलना है तुम नहीं जानती। तुम दोनों के बीच मैं गरीब फंस गया हूँ। तू तो खिलाड़ी है यार, सब मालूम है मुझे। थैंक यू। क्या कर रहे हो? देखो अगर तुमने अब कुछ लिखी ना तो तुम्हारे नाखून के साथ साथ उंगली भी काट दूंगी।
चंद्रिका प्लीज। पागल मत बनो, मैरिज तक यू सर्टिफिकेट रखना चाहिए। हाँ लेकिन मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए। वो सेंसर कट में। कम से कम यूए तो दे दो। ऐसे मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? रंजिता सीधे से सो जाओ, नहीं तो मैं बाहर जाके सो जाऊंगा। जाओ उस तरफ। बेवकूफ, रसगुल्ले जैसी लड़की तुम्हारे पास है और तुम्हें नींद आ रही है। उफ, छी। मॉर्निंग अशोक, सुबह सुबह काम शुरू कर दिया। क्या है ये सब, दिखाओ। वर्क पेंडिंग है इसलिए फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है कर लो। आंखें बंद करो। मैं तो रूम में आते ही आंखें बंद कर लेता हूँ। मैं सब जानती हूँ, समझे? जानती हो फिर भी नहीं मानती हो। तुम नहीं सुधरोगे। मैं नहाने जा रही हूँ। चंद्रिका, चंद्रिका सुनो तो।
शह खामखा नींद से जाग गया, वरना अभी तक सपने में 3-4 बार मजे ले लिए होते। बैड लक। क्या बात है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए भी किस्मत चाहिए। क्यों भाई, कोई आके खड़ा है फिर भी चिपक रहे हो, दरवाजा तो बंद कर लेते। तो यहाँ आ जाएगा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मेरे फोन की बैटरी डाउन है, तुम्हारा फोन चाहिए था। मैं जा रहा हूँ, लगे रहो। वाओ, ये तो फ्रेश हो रही है। चंद्रिका, चंद्रिका क्या कर रही हूँ? चुम्मा नहीं, ये सब शादी के बाद मिलेगा। मुझे कपड़े पहनने दो, पहले तुम यहाँ से बाहर निकलो। ये, चलो निकलो। ये नाइंसाफी है चंद्रिका, सरासर नाइंसाफी है। ऐसा मत करो प्लीज। क्या यार, हाय 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 हाय। तो व्हाट नेक्स्ट? पास में ही एक अच्छा रिसॉर्ट है, वहां चले क्या? सुनो, थोड़ा आगे चलेंगे तो हिल व्यू है, वहां पर एक स्वामी जी का आश्रम भी है, वहां चलकर उनके दर्शन भी कर लेते हैं यार। अच्छा, वहां जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भगवा पहन के साधु बन जाते हैं। मुझे साधु नहीं बनना है। क्या यार, तुम भी, हम यहाँ मस्ती करने एंजॉय करने आए और तुम मजा किरकिरा कर रहे हो। वहां जाने का टाइम होगा तब जाएंगे ना। तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या सपने देख रहा हूँ। तुम तो मजे कर रहे हो, मुझे भी करने दो। कूल गाइस, तो अब फाइनल हो गया है, हम रिजॉर्ट जाएंगे और खूब मजे करेंगे। मस्ती शुरू। ए, ये सब बंद करो। क्यों? रिसॉर्ट में पब भी तो है, वहां जाकर डिस्को करेंगे ना। ए, तुम लोग शांत रहना, मेरे घर से फोन है। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी। अरे बेटा अशोक, तुम चिंता मत करो। तुम कहाँ हो? हाँ, मैं यहाँ फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा सीरियस हैं? ओह माय गॉड। तुम जल्दी आओ। ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ मम्मी। अभी निकलो। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, संभल कर आना। ओके मम्मी, बाय। बाय। सॉरी यार, मेरे पिताजी सीरियस है, मुझे जाना पड़ेगा। अशोक, बाकी लोग हैं ना पिताजी का ध्यान रखने के लिए, एग्जाम का बहाना बनाकर रुक जाओ ना प्लीज। आइडिया तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, एक काम करो, तुम घर जाओ। ठीक है यार। रानी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मोहन और चंद्रिका है ना? ठीक है ना? प्लीज रंजिता, तुम अपना ख्याल रखना, मैं घर जाके आता हूँ।
बाय मोहन। वो दोनों तो गए, अब हम दोनों क्या करेंगे? ना ना ना, कोई और सैंडल लाओ ना, एक ही सैंडल से कितनी बार मारोगी? तुम चिंता क्यों कर रही हो? मोहन और चंद्रिका है ना तुम्हारे साथ, बस दो ही दिन की तो बात है यार, मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना? बाय रानी, तुम अपना ख्याल रखना, प्लीज अंडरस्टैंड यार, मैं दो ही दिन में वापस आ जाऊंगा, प्लीज अपना ध्यान रखना। ओके बाय डार्लिंग, बाय। ऐसे खाली खाली चला गया, कम से कम एक किस तो देकर जाता, इतना भी दिमाग नहीं है। अच्छी ऐसे लड़के के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी? हाय क्या होगा मेरा। ए मोहन, अरे वो यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ओहो सिगरेट पी रहे हो? नहीं वैसी कोई बात नहीं है, वो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ ना तो पी लेता हूँ, और कुछ नहीं। तुमको भी फ्रस्ट्रेशन होता है क्या? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मुझे किस बात का फ्रस्ट्रेशन है मैं ही जानता हूँ। इस चांदनी रात में तुम्हारा मूड क्यों खराब है? हाँ, उससे क्या होता है, अब तो अकेली हूँ ना। वैसे सच कहूँ तो ऐसी रात में या तो शराब होनी चाहिए या अच्छा सा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, वरना ये जवानी किस काम की, ऐसी जिंदगी जीने में क्या मजा। फर्स्ट नाइट नहीं हुआ तो समझो सब नाइट वेस्ट ही है। क्या हा? तुमने कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं कहा, मुझे लगा तुमने कुछ कहा। ओके मोहन बाय, गुड नाइट। बाय बाय, संभल कर। सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे तो मजा आया। बात है, आज मना नहीं कर रही हो, इसी तरह मान गई होती तो इतनी रातें वेस्ट नहीं जाती। आओ ना, आओ ना। ए, मोहन, क्या बकबक कर रहे हो? हा? चुपचाप सो जाओ। पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, लगता है पागल हो गया हूं। अरे रे, सो जाओ मोहन, सो जाओ। गुड मॉर्निंग रंजिता। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता निकालूं? मैं ले लूंगी, ठीक है।
मल्लिका, नाश्ता बहुत ही टेस्टी है। कुछ लोग जिंदगी के टेस्ट का मजा नहीं लेते और वेस्ट करते हैं अपनी लाइफ को। अरे क्या यार, जरा बाम भेज देना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। हेलो हेलो अशोक, मैं फिसल गई अशोक, मुझे चोट लग गई। क्या? बहुत दर्द हो रहा है, तुम कब आओगे? मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। ये दर्द सहा नहीं जा रहा है अशोक। थोड़ा इंतजार कर लो, यहाँ पर पिताजी बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है। 2 दिन में उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगा। रानी, तुम 2 दिन बाद आओगे, तब तक मैं ऐसी पड़ी रहूं? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है ना? बाय, टेक केयर। तुम्हारा दर्द कम हुआ क्या? दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा मोहन। तुमने कहा था इसलिए बाम लेकर आया हूँ। तुम ही लगा दो ना मोहन। क्या मैं? ठीक है, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? यहाँ पे मोहन। अच्छा, आने में इतनी देर क्यों लगाई? जल्दी आकर भी करना क्या है? नाइस कॉफी।
सभी की सांसें रुकी हुई है क्योंकि जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए और इसी के साथ बॉलर ने बॉल फेंकनी शुरू की और ये उठा लिया है और गेंद मोहन तुमको क्रिकेट पसंद है मैं तो बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ यार वो तो तुमको देखकर ही लगता है मैं भी क्रिकेट प्लेयर हूँ मैं बॉलिंग बहुत अच्छी करती हूँ वैसे तुम्हें T20 पसंद है या टेस्ट मैच T20 तो जल्दी खत्म हो जाता है इसलिए मुझे सिर्फ टेस्ट मैच खेलना पसंद है अगर मैं बॉलिंग करूँगी ना मोहन तो तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे वो तो एक बार खेलोगी तब पता चलेगा वैसे थैंक्स मोहन कल तुमने जो बाम लगाया ना मोहन उसकी वजह से मैं अभी चल पा रही वरना बैठ भी नहीं सकती थी तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी जरूरत पड़े तो मोहन को बुला लेना वो आ जाएगा तुम्हारी मदद के लिए रात भर पेन बाम लगाकर थक गए होगे ना जाओ अब जाकर बॉडी मसाज करवाओ बहुत मजा आएगा तुम्हें चंद्रिका उसे दर्द था इसलिए मैंने बाम लगाया तुम खामखा भड़क रही हो तुम्हें देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा लगता है दोनों ने एक दूसरे की मदद की है ये क्या बकवास कर रही हो यार तुम्हें हम दोनों के बीच चक्कर लग रहा है क्या शायद मुझे क्या पता हो भी सकता है चंद्रिका तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है क्या मोहन क्या हुआ बैठो ना अब तुम्हें क्या बताऊं यार चंद्रिका ने तो अभी हद ही कर दी तुम्हें बाम लगाकर मैंने तुम्हारी मदद की तो वो शक कर रही है किस बात के लिए इतना शक कर रही है अरे वही मैंने तुम्हें बाम लगाया था ना वो तो मुझे दर्द हो गया था इसलिए लगाया था ना हाँ लेकिन चंद्रिका के शक का वाकई कोई इलाज नहीं है लड़की के मन का शक जंगल के आग की तरह होता है बुझना बहुत मुश्किल है अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है दर्द के मारे मेरा सर फट रहा है इसको कुछ समझाओ कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है अरे मोहन तुम्हारा बदन क्यों गर्म है रुको मैं बाम लगा देती हूँ सर दर्द के साथ बुखार भी उतर जाएगा आओ तुम्हारे जैसी लड़की अगर करीब हो तो सर दर्द भी स्वर्ग जैसा लगता है मोहन अब दर्द कैसा है कुछ कम हुआ क्या कम नहीं हुआ है मसाज की जरूरत है प्लीज अब कैसा है बस हो गया मोहन अब थोड़ा आराम कर लो रंजीता मोहन क्या कर रहे हो छोड़ो रंजीता प्लीज मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है प्लीज रंजीता मोहन तुम गलत कर रहे हो शायद तुम्हें यह गलत लग रहा है लेकिन मुझे गलत नहीं लग रहा सच कहूं तो मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए आया था लेकिन चंद्रिका तो पत्थर दिल है कहती है हाथ नहीं लगाने दूंगी और प्रवचन देती है कि शादी के पहले ये सब पाप है शायद वो प्यार का मतलब ही नहीं जानती है तुम भी तो प्यार चाहती हो ना रंजीता अगर हम दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी कर दे तो इसमें गलत क्या है क्या कर रहे हो मोहन समझने की कोशिश करो हमारे बीच ये सब नहीं हो सकता हाँ रंजीता मैंने गलती की है तुम्हें छोड़कर उसे प्यार करने की गलती की है मैंने हाँ मोहन मुझे भी ऐसा ही फील होता है
अभी तक अशोक ना तो मेरा पति बना है ना चंद्रिका तुम्हारी पत्नी है। शादी ही नहीं हुई है तो प्रॉब्लम किस बात की? तुम्हें अगर मेरा प्यार चाहिए तो चंद्रिका को छोड़ कर आना होगा। लेकिन रंजीता, किस सोच में पड़ गए मोहन? क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? मुझे चंद्रिका की फिक्र नहीं है, लेकिन अशोक का क्या? कैसी बात कर रहे हो मोहन, वो मुझे साथ लेकर आया और फिर अकेला छोड़कर चला गया। मोहन, दरअसल मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अशोक से पता नहीं क्यों अब मेरा मन हटने लगा है, शायद अशोक से प्यार था ही नहीं। सच में रंजीता, मुझे भी वही महसूस हो रहा है। आज रात में चंद्रिका से बहाना बनाकर तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा, फिर हम इस दुनिया से दूर चले जाएंगे, जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे। हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आ पाएगा। यस। अरे तुम कहां जा रहे हो? इस वक्त कहां जा रहे हो? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। मोहन, मोहन, रंजीता मैं आ गया, आज हम दिल खोल कर प्यार करेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी मोहन। Thank you.
चंद्रिका। ये तुम्हारा वहम है, तुम अपना ध्यान प्यार में लगाओ, चंद्रिका पर नहीं। रंजीता। चंद्रिका मोहन, चंद्रिका। वहां वो खुद परेशान करती है और यहाँ तुम उसका नाम लेकर परेशान कर रही हो। इंजॉय करो यार, कम ऑन। चंद्रिका, 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 चंद्रिका नहीं, चंद्रिका, मेरी बात चंद्रिका छोड़ दो। देखो चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका छोड़ दो। चंद्रिका छोड़ो उसे, चंद्रिका छोड़ो उसे, चंद्रिका देखो तुम। नहीं चंद्रिका प्लीज, चंद्रिका छोड़ दो प्लीज, चंद्रिका देखो, चंद्रिका प्लीज छोड़ दो। कोई बात नहीं चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्रिका होश में आओ। चंद्रिका ये तुम क्या कर रही हो? चंद्रिका, चंद्रिका जरा हाथ लगाओ ना। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, तुम ही उसे उठा के बाहर ले जाओ। कॉफी लाना प्लीज, बहुत सर दर्द हो रहा है प्लीज यार। हाँ ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। ठीक है, रंजीता कल रात से चंद्रिका अनाप शनाप बक रही है, पागलों जैसी हरकतें कर रही है। ऐसी बात है तो तुम उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं छोटा सा काम पूरा करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। डॉक्टर साहब, मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो वेटिंग रूम में रुकना चाहिए ना, डायरेक्ट कैसे आ गए? वेटिंग रूम में बैठता तो परेशानी बढ़ जाती, इसलिए सीधा अंदर आ गया। बहुत स्मार्ट हो, बोलो क्या प्रॉब्लम है? लड़की का मामला है डॉक्टर। मुझे मालूम था यही प्रॉब्लम होगी। मेडिसिन लिया तो 50,000, ऑपरेशन किया तो 1,00,000। नहीं, बात वहाँ तक नहीं पहुँची है डॉक्टर। अरे तो भागरा यूज करते ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वैसे भी कोई बात नहीं है डॉक्टर, लड़की एक्चुअली पागल है। रात में अलग रूप, दिन में अलग रूप, कहती है सर दर्द हो रहा है और पेट पकड़ के बैठती है। अब तो वो हमें पहचानने से भी मना कर रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है डॉक्टर? इस बीमारी को साइंस में रोमांटिक सेक्सुअल इंट्रैक्शन डिजास्टर सिम्टम कहते हैं। ये सब तो आप ही जाने, लेकिन ये जो भी बीमारी है इसका इलाज बताइए डॉक्टर। हाँ उपाय है, तुम धीरज रखो, बताता हूँ। क्या इलाज है डॉक्टर साहब? तुम लोग शादी करके फौरन हनीमून पे चले जाओ,
या फिर पहले हनीमून मनाकर शादी कर लो, पर शादी जल्दी होनी चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब मेरी फीस निकालो तुम। पहले हनीमून करके आता हूँ ना, उसके बाद फीस देता हूँ डॉक्टर साहब। मल्लिका, अरे आप यहाँ कैसे, मुझे बुला लेती। मल्लिका सच सच बताओ, इतने सालों से तुम उस घर में काम कर रही हो, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये फोटो में कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। कितना भी पानी डालो दीवार गीली नहीं होती, कितना भी पियो गला गीला नहीं होता। अबे भाड़ में जा। वाटर भी खत्म, क्वार्टर भी खत्म।
पाप लगेगा। आज मेरी मान जा मल्लिका। छोड़ दीजिए। क्या सही है और क्या सही नहीं है आज सब बता दूंगा तुझे। छोड़ दीजिए साहब जी, नहीं जाने दीजिए। नखरे क्या दिखा रही है? वैसे भी तू बचेगी नहीं, सीधे से मान जा। नहीं दीदी, दीदी दीदी बचा, दीदी मुझे बचा। चुप What the hell you are doing here? तुम इंसान हो या जानवर? क्या हुआ बेटी, ऐसे क्यों आंसू बहा रही है? क्या हुआ बेटी बताओ मुझे, तबीयत खराब है? डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? बाहर जाने से डर लग रहा है पिताजी, आपसे अच्छा इंसान यहाँ कोई नहीं है। आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं पिताजी, बाहर सब लोग अच्छे नहीं है पिताजी। मैं आपको और माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी पिताजी। बेटी मैंने अभी तक तुम्हारी आंखों में इस तरह से आंसू नहीं देखे हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू जिसने दिए, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ बेटी। वो छोटे मालिक मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, पर दीदी ने आकर मुझे बचा लिया। अब तक मैं छोटे मालिक की क्यों ही सारी गलतियों को नजरअंदाज करता था, पर आज उसने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे सजा दूंगा। पिताजी, पिताजी, रोहित, पिताजी, क्या हुआ बेटी? तेरे पिताजी नाराज होकर इतने गुस्से में कहाँ चले गए? कुछ तो है ऐसा सुना था, पर इससे आगे मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पिताजी हमें कुछ पैसे देकर साहब के काम के लिए 2 महीने के लिए बाहर चले गए। ठीक है मल्लिका, इस गांव में और भी कोई है क्या जो उस बंगले के बारे में जानता हो? एक इंसान है, सिर्फ एक ही है वो, जो इस बारे में आपको सब कुछ बता सकता है। चलिए मेरे साथ मल्लिका। रुक जाओ, मंदिर के गर्भगृह में एक साथ प्रवेश नहीं किया जा सकता, एक एक करके आओ। त्रिशूल धारणे नमः, आवाहयामि 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 आवाहयामि। वहां मौत का तांडव चल रहा है, वहां अगर वापस गए तो मौत निश्चित ही समझो। बंद नमः, अष्टदीप बंद नमः। नमस्ते पंडित जी। आप लोग किस कारणवश मेरे पास आए हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। मेरी सोच अगर सही है तो
तो उस लड़की की जान खतरे में है, ये बात आप लोग भी जान लो। उसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो अब हमें क्या करना होगा स्वामी जी? जाओ जाकर अपने प्रेमी को सारी बातें बता दो। अब जाओ तुम लोग यहाँ से। रुद्राक्ष जी पिताजी, पूजा की तैयारी करो। जी पिताजी, करता हूँ। अच्छा अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। चलो मल्लिका। हे डार्लिंग, आ रहा हूँ, बस 15 मिनट में बंगलों के अंदर होगा। बंगले के अंदर नहीं, गांव के बाहर वाले मंदिर में आना। अच्छा, काफी फास्ट हो, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? तुम ना फालतू की बकवास करना बंद करो, चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनो, गांव के बाहर वाले मंदिर में जल्दी पहुंचो। ठीक है, मैं मंदिर के पास आता हूँ। ओके बाय। चंद्रिका, मैं अभी अभी डॉक्टर के पास जाकर आया हूँ। चंद्रिका क्यों, क्या हुआ तुम्हें? मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए गया था। डॉक्टर ने एक अच्छा इलाज बताया है, आज रात को तुम्हारा इलाज करूँगा। क्या इलाज बताया है? बता तो दूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं बताओगे तो जरूर बुरा मानोगी। ओके ओके ओके, मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता चंद्रिका। बोलो। हम दोनों के मिलन से, हमारे ऐसे वाले मिलन से तुम्हारी ये जो बीमारी है ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, शुरू करो। ये तुम कह रही हो चंद्रिका? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। मेरे पास आओ, पास आओ। चंद्रिका, चंद्रिका छोड़ो, छोड़ो चंद्रिका, चंद्रिका छोड़ो। शरीर का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए। क्या कर रही हूँ चंद्रिका? मैं तुम्हें स्वर्ग भेजती हूँ, मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। चंद्रिका, पिताजी आपके कहे अनुसार पूजा की सारी सामग्री तैयार है, माँ ने आपको जल्दी घर बुलाया है। तुम बाहर जाओ रुद्राक्ष, और उनसे कह देना इस वक्त मैं व्यस्त हूँ। ठीक है पिताजी। ठीक है। ए पर यादव, ए तुम यहाँ मंदिर में क्यों चली आई? चलो, तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? तुमने वादा किया था हार दिलाओगे, कमरबंद दिलाओगे, पायल दिलाओगे, झुमका दिलाओगे, सब झूठ बोला था ना? मत करो मेरी जान, जैसे कोई बड़ा जजमान फंसेगा तुम्हें ऊपर से नीचे तक सोने से लाद दूंगा। और कितने दिन लगेंगे? चिंता क्यों करती हो मेरी जान, समय आने पे सब हो जाएगा। उस काम के लिए कोई भी टाइम चलेगा, और इस काम के लिए वेटिंग, पहले अपना वादा पूरा करो। अरे नहीं नहीं, मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ, मैं तुम्हें दिलाऊंगा ना, आओ ना प्यार करें। तुम ना पहले अपना वादा पूरा करो, सोना लाने तक मुझे छूना भी नहीं। मल्लिका, मल्लिका। अरे साहब जी, यहाँ रंजीता आई थी ना, वो कहाँ है? हम अभी स्वामी जी से मिलकर ही आ रहे हैं, रंजीता ने कहा था वो घर जाएगी। स्वामी जी, ये स्वामी जी कौन है? आप लोग जिस बंगले में रह रहे हैं उसी घर में आपसे पहले चंद्रकांता और रोहित आए थे। रोहित ने चंद्रकांता को
धोखा देकर उसे जान से मार दिया, इसलिए अब उसकी आत्मा उस बंगले में भटक रही है। चंद्रकांता? जी हाँ। हेलो रंजिता, तुम घर मत जाना, मैं स्वामी जी को लेकर अभी आता हूँ। हम लोग स्वामी जी के पास ही हैं। ठीक है, मैं वहाँ आता हूँ। एड्रेस बताओ। ओम त्रिभुवन पालिकाय नमः। मोहन, मल्लिका को पता है, मल्लिका को लेकर स्वामी जी के पास आ जाओ। मल्लिका, इन्हें स्वामी जी के पास ले जाओ बेटी। ओम त्रिभुवन पालिनाय नमः। ओम त्रिभुवन पालिकाय कृपा करो नमो नमः। ओम त्रिभुवन पालिनाय नमः। ओम त्रिभुवन पालिकाय दुर्गा देव्य नमो नमः। स्वामी जी, वो भूतनी है ये ना जानते हुए रोहित वहाँ पर गया है, किसी भी हालत में उसे बचा लीजिए स्वामी जी। पागल, सबसे पहले बचाना तो उस लड़की को ही है, उस मूर्ख को नहीं। मनुष्य तो गलतियां करता ही है, परंतु जानबूझकर की गई गलती को महापाप कहा जाता है, कोई साधारण गलती नहीं। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, जानते हो ना, बहुत बड़ा महापापी है वो। वो एक अधर्मी इंसान है, तुम उसके बीच में कभी मत पड़ना, उसकी सजा ऊपर वाला तय करेगा। तुम्हें मैंने बहुत बार समझाया पर तुम नहीं सुधरे। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण प्यार, शादी, ये सब बेईमान लगते हैं। कोई भी लड़की उसी लड़के को पसंद करती है जो उसे जिंदगी भर खुश रख सके। कोई भी माँ अपने बेटे को कलेक्टर या फिर कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहती है, पर वो तुम जैसा बने ये कभी नहीं चाहती। फिर भी लड़की जीवन साथी साथ साथ चलने के लिए चुनती है, साथ साथ ना चले तो भी चलेगा, पर उसे किसी और के साथ देखकर कभी खुश नहीं होती। अब तो सुधर जाओ और अपने पापों को बंद कर दो। ऐसे जानवर बनकर और कितनी लड़कियों को बर्बाद करोगे तुम? क्या कह रही हो तुम? किससे फोन करने वाली हो? छोड़ो मुझे। बहुत अच्छा रही हो ना? तुम्हारे जैसी लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, ना कि शादी करके जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। तुम अपने आप को विश्व सुंदरी समझती हो? तुम्हारे जैसी कई लड़कियाँ आई और कई गई। छोड़ो मुझे। शक? क्या कर रहे हो रोहित? रोहित, तुमने मुझे धोखा दिया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ धोखा किया। मर जाओ तुम, अगले जन्म में मेरे पास आना, सात फेरे लेकर फिर शायद मैं तुमसे शादी कर लूं। हाय, आओ पांडे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज एक मौत का इंतजार करने वाले को पहली बार देखा है मैंने। किसकी मौत? हाँ, ये तो ऑलरेडी मर चुकी है। एक लड़की के लिए दूसरी लड़की को मार डाला क्या? तो उसके लिए तुम मुझे मारोगे क्या? ऐसा कुछ सोचना भी मत। आज तक मैंने तुम्हारे सारी गलतियों पे पर्दा डाला। हाँ। और तुमने मेरे साथ ऐसा किया? छी, वो लड़की मेरी बेटी थी। जोश में होश मत खो पांडे, तो मैं इतने पैसे दूंगा कि तुम उन्हें देखकर खुशी के मारे पागल हो जाओगे। ऐसे सुख की मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी खुशी मेहनत से हासिल करता हूँ, भीख से नहीं। फिर मुझे तेरे दिए हुए टुकड़ों की जरूरत नहीं है। नसीब बार बार नहीं खुलता, मौका आया है उसे लपक लो। ये तो सच बात है। सुभाष पांडे, तुम सोच में पड़ गए हो, मतलब तुम मेरी बात मान गए। वो देखो पैसों से भरा बैग पड़ा है, इससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। सोच लो। सॉरी डार्लिंग, बाय, हैप्पी जर्नी। साहब, आप चिंता मत करिए, समझ लीजिए लाश गायब, इस बैग के साथ मैं भी गायब और आपका मामला भी गायब।
इस तरह से अपनी हवस में उसने उस लड़की को मार दिया और अब वो चंद्रिका के साथ भी उसी लड़की की तरह व्यवहार करना चाहता है। उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ओम दुर्गाय नमः, ओम नमो नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः। ओम काली नमो नमः, ओम दुर्गा देव्य नमो नमः, ओम काली नमो नमः, ओम दुर्गा देव्य नमो नमः, ओम पार्वती नमो नमः, ओम भद्रकाली नमो नमः, ओम महाकाली नमो नमः, ओम रुद्र रूपिणे नमो नमः, ओम कात्यायनी नमो नमः, ओम महिषासुर मर्दने नमो नमः, ओम महाचंडिकाय नमो नमः, ओम दंडप्रियाय नमो नमः, ओम जगतमाते नमो नमः, ओम कालिकाय नमो नमः, ओम। साकिनी डाकिनी नमो नमः, 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 ओम साकिनी डाकिनी नमो नमः, ओम दुर्गा देव्य अनुग्रह करो तुम, ओम दुर्गा देव्य अनुग्रह करो तुम, ओम दुर्गा देव्य अनुग्रह करो तुम, हे भद्रकाली। हाय रोहित। कैसे हो? आई एम ओके। मैं तो ये देखकर चकित हूँ कि इस खूबसूरत लड़की को यहाँ अकेली छोड़कर सब कहाँ गए? मुझे अकेला छोड़कर वो सब जंगल घूमने गए हैं। उन्हें वापस लौटने में शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे। चंद्रिका, यू आर सो ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है ऊपर वाले ने बड़ी ही खूबसूरती से बनाया है तुम्हें। एक लड़की को एक सही लड़का मिल जाए, इसके अलावा उसे जिंदगी में और क्या चाहिए? सच में उस मोहन में तो बिल्कुल दिमाग नहीं है। उसमें दिमाग नहीं है तो क्या हुआ, पर मुझ में है। जाने दो। तो ये सुंदरी मेरी जिंदगी में आएगी क्या? इसमें इतना सोचना क्या, तुम जैसे चाहो मुझे अपना लो, तुम्हारी मर्जी। फिर उस मोहन का क्या होगा? वो मोहन शादी करके जिंदगी तो मेरे साथ बिताना चाहता है, पर मस्ती रंजीता से। उसकी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं क्या बताऊं, अगर मैंने तुम्हें पहले प्रपोज किया होता तो अब तक तो हमारे 2-4 बच्चे होते। पता नहीं उस समय इजहार क्यों नहीं कर पाया। पर अभी भी देर कहाँ हुई है। जरा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए गरम चाय लेकर आती हूँ। गरम बातें गरम चीज के साथ होंगी तभी मजा आएगा प्यार करने का। हेलो भाई साहब, आपकी जान खतरे में है। ऐसा क्या? पर तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये सब छोड़िए, मेरी बात ध्यान से सुनिए।
उस बंगले में घूम रही चंद्रकांता की आत्मा चंद्रिका के शरीर में समा के आपको मारना चाहती है। सावधान रहिए। ठीक है, होल्ड करना प्लीज। कहा तुमने, पर अब मैं क्या करूं? आप मेरा यकीन कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं उस आत्मा को अपने कब्जे में कर लूंगा। ये करने के लिए मुझे 15 मिनट लगेगा, आप उतनी देर खुद को संभालिए। मैं उसे अपने वश में करता हूं, पर आप उससे दूर रहिए वरना आप भस्म हो जाएंगे। मैं आपका भला कर रहा हूं, आप मेरा भला करना। ख्याल रखिए, मुझे इसकी कीमत देंगे ना? ओके ओके, पर मुझे बचा लो प्लीज। ओके सर। जय महाकाली, जय भद्रकाली, जय महाकाली। ओम दुर्गाय नमः। जय महाकाली, रक्षा करो, रक्षा करो माँ। चाय? ऐसे क्या देख रहे हो, पियो ना। सारी पी जाओगे क्या? थोड़ी मुझे भी दे दो। लो, ये तो खत्म हो गई। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ओम महाचंडे नमः। जय महाकाली। ओम महाचंडे नमः। ओम महाचंडे नमः। ओम गंधर्व प्रियाय नमः। जय महाकाली। शाकिनी डाकिनी नमो नमः। जय भद्रकाली। शाकिनी डाकिनी नमो नमः। चाहिए, कोई गलती कर चुका है पर उसकी जान नहीं जानी चाहिए। ओम त्रिलोक महादेवी, अनुग्रह करो, अनुग्रह करो। जय महाकाली। जय भद्रकाली। ओम त्रिपुराय नमः। ओम त्रिपुराय नमः। जय भद्रकाली। जय भद्रकाली। ओम त्रिपुराय नमः। ओम त्रिपुराय नमः। ओम त्रिपुराय नमः। कौन हो, कौन हो तुम? उसने गलती कर दी है, उसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, उसे क्षमा कर दो। जय भद्रकाली, जय भद्रकाली, जय महाकाली।
ऐसी खूबसूरती का मजा नहीं लिया तो मुझसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। चंद्रकांता तो चली गई, मैं इसके साथ एंजॉय कर लूंगा तो रिलैक्स हो जाऊंगा। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। चंद्रकांता, इस चंद्रिका को छोड़कर चली जाओ। तुम्हारा दुश्मन अब खत्म हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए तुम दूसरे के प्रेम की बलि मत चढ़ाओ। चली जाओ यहाँ से, चंद्रिका को छोड़ के चली जाओ। चंद्रकांता जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी चंद्रिका को छोड़ दीजिए प्लीज। चंद्रकांता हमें माफ कर दो। मैं भी आपकी तरह यहाँ आकर इसके हवस के शिकार हो गई थी। आइंदा शादी से पहले ऐसी गलती मत करना। शादी के पहले तो क्या, शादी के बाद भी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ, पर जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। प्यार शादी की शुरुआत है, उसे हवस का नाम देकर बेइज्जत मत करना, समझ गए? प्यार दो दिलों का बंधन है, उसे अपवित्र मत करना, उसका अपमान मत करना। अब जहाँ भी ऐसा अन्याय होगा वहाँ चंद्रकांता अपना न्याय दिखाएगी। जाती हूँ। चंद्रिका,